मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है, कई सारे इनपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको लिख के बताए थे कि ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनमें से मैंने आपको कीबोर्ड, माउस, ये दो इनपुट डिवाइसेस का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आप लेते हैं और उसमें अपन जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस लेंगे उसमें ट्रैक मान लेंगे और आपका जॉयस्टिक लेंगे, आपका डिस्टाइपिंग टेबलेट लेंगे, इन कुछ दो तीन इनपुट डिवाइसेस को आज अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अपन जो भी ऐसे चीज़ें हो रही हैं उनको अपन एक्सप्लेन के साथ साथ इमेज भी आपको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस में आज ट्रैक बार। तो सबसे पहले अपन वही बात करते हैं जो डेली बात करते हैं कि अपन जो फाइल बनाएंगे अपने उस फाइल को अपन ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ही अपन वहाँ इनपुट करवाएंगे डेटा को और किस तरह से ट्रैक बार काम करता है, जॉयस्टिक काम करता है। तो इनमें विशेष अंतर नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूँ कि हमें आप माउस के बारे में जाना, माउस के फुल फॉर्म के बारे में जाना, उसका कब डेवलप किया गया है इसके बारे में जाना और ये क्या काम करता है। कल माउस की मैंने सेटिंग करके भी दिखाई कि माउस की सेटिंग भी हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रैक बार के बारे में भी अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले अपनी फाइल ओपन करते हैं। अपनी फाइल कहाँ बनी है? मेरे डेस्कटॉप पे ही बनी हुई है। और मेरे डेस्कटॉप के मैं अगर मैं बात करूँ तो मेरे डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर है, उस फोल्डर में आपकी फाइल बनी हुई है। ठीक है, और इस फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक, ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल पे अपन काम कर रहे हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेस अपन बता रहे थे, ठीक है, ट्रैक बार और जॉयस्टिक, ये मैंने आपको कीबोर्ड बताया था, कीबोर्ड के बाद मैंने आपको माउस बताया। ठीक है, और माउस के बाद अपन ट्रैक बार पे आते हैं। ट्रैक बार है, ये यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रैक बार के बारे में आपको बता दूँ कि ट्रैक बार का डेवलपमेंट कब हुआ और किसने डेवलप किया। तो इसके बारे में रॉल्फ बेंजामिन नाम के व्यक्ति थे, रॉल्फ बेंजामिन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रैक बार को डेवलप किया। कब डेवलप किया ये बात आती है, तो 1946 में इन्होंने डेवलप किया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ आपको, और इनकी मैंने थोड़े से साइज कम कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है ये साइज आपको समझ में आए। ठीक, तो राल्फ नाम के जो व्यक्ति थे, राल्फ बेंजामिन, ठीक है, ये राल्फ बेंजामिन नाम के व्यक्ति थे, 1946 ईस्वी में इन्होंने ट्रैक बार को डेवलप किया। ठीक है, ये कहा जाए कि एक मोशन डिवाइस है, मोशन डेटा को एक्सेप्ट करने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको पहले लोग रोलर नाम से जाना करते थे, रोलर बार के नाम से जाना करते थे। ठीक है, ये देख सकते हो, ये मैंने इमेज बना के इसकी इमेज सर्च करके रख दी है यहाँ पे कि किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, माउस में भी अपन देखे थे तो लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन हुआ करते हैं। इसमें देखिए ये बटन है और ये गोलाकार एक बटन लगी हुई है। जो माउस में मैंने कल बताया था आपको कि आपके जो मैकेनिकल माउस होता है उस मैकेनिकल माउस में एक बॉल लगी होती है, इसी तरह की ये बॉल ऊपर लगी है और नीचे लगी होती है। ठीक है, और उस पर जैसे अपन ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो वो माउस का जो मैकेनिकल माउस है जो उसकी जो बॉल है वो हमारे सेंसर में टच होती है, उस कारण से हमारा माउस पॉइंटर इधर उधर मूव करता है। वो फर्क इतना है कि वो नीचे लगी होती है और इसमें जो होता है जो ट्रैक बॉल होता है इसकी ये ऊपर लगी हुई होती है, इतना आप अंतर मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस ट्रैक बॉल को अगर ये बॉल को हम जिधर घुमाएंगे उधर ही हमारा माउस पॉइंटर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी डेटा को इनपुट करवाते हैं, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं या कहें तो मोशन डेटा को इनपुट की तरह यूज करते हैं। तो यानी पहले अगर हम बात करें तो ये रोलर
बाल के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम ट्रैक बाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल देखा जाए तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों इसको टेक्नोलॉजी में यूज किया जाना संभव हुआ। तो इससे आप समझ लीजिए कि माउस हर काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान के चले कि हमें सी में काम करना है, प्रोग्रामिंग सी में काम करना है, तो वहाँ आप देखते हो कि आपका माउस काम करना बंद कर देता है, आप कीबोर्ड से ही पूरा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो आप देखते होंगे माउस के थ्रू आप काम करते हैं। यानी एक दो चीज़ होती है, एक जीवाई होती है और एक जीवाई होती है। ये शब्द आपने सुना होगा, एक जीवाई होती है और एक जीवाई होती है, और एक GUI। GUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब ये शब्द मैंने यहाँ से क्यों लिया, ये आप समझिएगा। ये दो शब्द मैंने यहाँ पे उठाया, CUI और GUI। यानी कहा जाए कि जो सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं, जिस कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, ये दो मेन मोड पे ही होते हैं, एक CUI होते हैं, एक GUI। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें सिर्फ हम कैरेक्टर्स का काम करते हैं। यानी कहा जाए कि माउस वहाँ पे काम नहीं करेगा। माउस की बात आई है, ट्रैक बॉल की बात आई है, इसलिए अपन इन दो शब्दों को उठाया है। ठीक है, तो CUI पे हम करेक्टर यूजर, जैसे हम डॉस डॉस आप देखें, डॉस पे अगर हम काम करेंगे तो हमें फिर वहाँ माउस की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा का पूरा हम कीबोर्ड बेस पे काम करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका सिस्टम जिसके अभी आप काम कर रहे हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यानी कहा जाए कि इस सिस्टम में माउस का भी काम है, कीबोर्ड का भी काम है। यानी कहा जाए कि दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आखिरकार माउस की जरूरत है, तो ठीक है माउस यूज करनी है, लेकिन ट्रैक बॉल कहाँ यूज करते हैं? तो ट्रैक बॉल, जैसे हमने कहा कि ट्रैक बॉल का यूज अपन करते हैं कि कोई भी ऐसे मोशन डेटा को अगर अपन लेना चाहते हैं या मोशन डेटा पे काम करना चाहते हैं, तो हम ट्रैक बॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम कहीं भी माउस में देखें तो हम माउस को घुमाते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर इधर उधर मूव करता है, लेकिन इसमें डेटा को हम जिधर माउस को हम या ट्रैक बॉल को घुमाएंगे उधर ही घूम सकता है। यानी कहा जाए हमें माउस को सिर्फ यहाँ हिलाना है, लेकिन ट्रैक बॉल से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ अलग अलग बटन होते हैं, अलग अलग ही काम करते हैं। ठीक है, अब लेकिन माउस में जो होती है वो आपके तीन बटन ही होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रोल होता है, लेकिन इसमें आपके चार बटने होती हैं। और ये पॉइंटर जो होता है, यानी कहा जाए कि जो रोलर होता है, ये रोलर की तरह काम करने वाला डिवाइस होता है, यानी ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब अपन आते हैं ट्रैक बॉल, सॉरी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, छड़ी की तरह से आनंद करने वाला एक डिवाइस, छड़ी की तरह दिखता हो और उसमें से अपन कैसे आनंद करें। तो आप देखते होंगे आपके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, और आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग भी वो गेम खेलते होंगे। ठीक है, तो जॉयस्टिक एक वीडियो गेम की तरह होता है। यानी कहा जाए कि इसका आप देख लो, एक लीवर लगा होता है, ये कहें ये देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने ये इमेज बना के रख दी। जैसे आपकी गाड़ी में एक लीवर लगा होता है, फोर व्हीलर गाड़ी में आप देखिए कि आपको अगर उसमें गियर डालना होता है तो आप उसके लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं। ठीक है, और उससे आप आगे पीछे यानी अपनी गाड़ी को मूव करा सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए लीवर की तरह होता है जॉयस्टिक। ठीक है, इस जॉयस्टिक में आप देखें कि आपके बटन होते हैं, इन बटन से आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है, यानी इसका एक डेटा आपके मोबाइल सॉरी आपके CPU पे लगा हुआ होता है।
करना होता है। अब मान लीजिए आपने गेम डाउनलोड किया है, तो इसी के माध्यम से आप अप डाउन आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एरो कीज जिस तरह से हमारे काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जॉयस्टिक भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात ये है कि आखिरकार गेम का यूज, इसमें बताया कि अलग अलग चीज़ों पे होता है। तो जैसे मान के चले छोटे बच्चे हैं, अब अगर हमने माउस पकड़ा देंगे तो शायद उनको क्लिक करने में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि वो दोनों बटन साथ में प्रेस कर दें। या अगर मैं ये बात करूं कि ट्रैक बॉल अगर हम उन्हें दें तो हो सकता है वो ट्रैक बॉल में सही काम ना कर पाए। तो जब गेम्स की जरूरत आई, यानी गेम्स का यूज होने लगा, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये चीज आई कि आखिरकार बच्चों को कितनी इजी से इजी चीजें हम दे सकते हैं जिससे वो उसको बड़े आसानी के साथ चला सकें। तो इजी से इजी देने के लिए इन्होंने क्या किया कि फिर गेम में यूज होने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जॉयस्टिक निकाल दिया। अब जॉयस्टिक के माध्यम से कैसे एक्सेस किया डेटा को, तो सबसे पहले इसके लिए यूएसबी पिन होती है, वो यूएसबी पिन जैसे पेन ड्राइव होती है ना अपनी, उसी तरह से इसको भी हम लगा देते हैं अपने सीपीयू में। अब सीपीयू में लगाने के बाद जैसे डेटा हमारा कनेक्ट हो जाता है तो उसमें एक हल्की सी लाइट जलती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा, हमारा जो इनपुट डिवाइस है ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी गेम आप ओपन करिए जिसमें से ये पता, जिसमें से ये मानता है कि आप जॉयस्टिक का यूज कर सकते हैं। अब उस गेम को आप ओपन करेंगे, और जैसे ओपन करेंगे तो आपको गेम चालू करना है। तो जैसे मोबाइल में क्या है, टच स्क्रीन के साथ अपन काम करते हैं, तो यहाँ आप जॉयस्टिक के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से हम ये काम करते थे। ठीक है, तो ये हमें समझना होता है कि आखिरकार कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज हो रही है, और उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है, और उस टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो जॉयस्टिक किस तरह से काम करते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, डिजिटाइजिंग टेबलेट। ये देखिए, डिजिटाइजिंग टेबलेट आज के डेट में यूज होने वाला बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस है, और ये बड़ी कंपनीज में, बड़े फर्म्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल आप कहीं जाते हैं तो आप अपना मोबाइल साथ में रखते हैं, तो मोबाइल में अगर आपको किसी मैप का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं, और गूगल मैप के माध्यम से जाकर सर्च कर लेते हैं कि जानते हैं। क्लियर ना? ठीक है, इसी तरह से मान के चलो कि पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक मोबाइल आया था, वो मोबाइल होता था कि हम उसको टच करते, जैसे अभी फिंगर हम टच करते थे, उसमें एक स्टिक हुआ करती थी, छड़ी की तरह से हुआ करती थी, या पेन की तरह हुआ करती थी, और उसको टच करके हम एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ऐप से दूसरे ऐप जा सकते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार के डिजिटाइजिंग टेबलेट है, यानी कहा जाए कि एक आपका जैसे आपकी टेबल होती है ना, तो इस टेबल की, टेबल में रखने वाला ये इनपुट डिवाइस है, और इस इनपुट डिवाइस में देखो क्या किया जा सकता है, यानी हर वो फैसिलिटीज यहाँ आपको अवेलेबल। मान के चले कि आपको विश्व का नक्शा देखना है, तो आपने विश्व का मैप यहाँ पे एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद अब आप चाहते हैं मुझे भारत देखना है, तो वहाँ भारत का नक्शा आएगा, और उसको आप स्क्रैच करते जाइए पेन के माध्यम से, स्क्रैच करते जाइए तो आपको भारत का नक्शा देखने लगे, यानी विश्व में आपने किसको ढूंढ लिया, भारत को ढूंढ लिया। अब भारत में अगर आप देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ है, ठीक है, तब आपको उस भारत में भी लिखा होगा मध्य प्रदेश, तो आप उसको स्कैन मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, तो जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सीधे मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यानी जिसको जूमिंग कहते हैं ना अपन, जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप जूमिंग करके उसको देखेंगे तो अब मध्य प्रदेश का नक्शा दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि उसमें जानकी कुंड कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कौन से जिले में जानकी कुंड आ रहा है, तो आपने सतना जिला सर्च किया। ठीक है, सर्च करना क्या है, उसमें जिले लिखे हुए हैं, तो आपने सतना जिले में, आप जब सतना जिले का देखेंगे तो वहाँ का सिर्फ नक्शा दिखेगा। यानी कहा जाए कि आप छोटी सी छोटी चीज़ों को भी डिजिटाइजिंग टेबलेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आजकल या आप मूवीज देखते होंगे, आप देखे होंगे तो प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये कैसा है, तो वो तो प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटाइजिंग टेबलेट का यूज करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है, और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने बेहतरीन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं इनका कहीं ना कहीं बेहतरीन यूज़ होता है, और बेहतरीन यूज़ होने के लिए अपन इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ये ठीक है। और इसको जैसे पावर सप्लाई इसको देते हैं, सप्लाई देने के बाद ये काम करना शुरू कर देता है, यानी ये एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इसको हमें सिस्टम से जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी लाइट जलेगी, जिससे ये पता चल जाएगा हमें कि इसमें कनेक्टिविटी हो गई है। ठीक है, और उस कनेक्टिविटी होने के बाद हम इस पे जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं देख सकते हैं, यानी कहा जाए कि हम अपने टेबल टेबले जिस टेबलेट का मतलब है कि हम अपने टेबल पे रख के हर रोज चीज यही देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे प्रोजेक्टर के पास जाएं या कहीं दूसरी लाइब में जाएं, यहीं पे बैठे हुए हर वो चीज़ देखना चाहते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ये इनपुट डिवाइसेस चौथा पार्ट में इनपुट डिवाइसेस। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि आज जो मैंने उठाया था वो आपको उठाया, ट्रैक बॉल उठाया, जॉयस्टिक उठाया और आपका डिस्टाइलिंग टेबलेट। अब डिस्टाइलिंग टेबलेट के बाद अब आपका नेक्स्ट आता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का तो आप जानते होंगे, स्कैनर उठा लेते हैं, लेकिन स्कैनर को अपन अब कल देखेंगे। ठीक है, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ओसीआर, ओएमआर, ओएमआईसीआर, बार कोड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन, लाइट स्कैन, टच स्क्रीन, ये बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइस। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का आते ही आता है। यदि ये पूछ लेता है कि किन्हीं पांच इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखो, एक्सप्लेन करें यानी व्याख्या करिए, या पूछ लेता है कि किन्हीं पांच आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिख के व्याख्या करिए, या पूछ लेता है कि प्रिंटर किसे कहते हैं, या पूछ लेता है कि निम्न को एक्सप्लेन करिए, लाइट स्कैन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ओसीआर। ठीक, तो ये तो यार लिख के दे देता है या तो आपसे पूछ लेता है। तो अगर आपको 15 मालूम है, 10 मालूम है, 12 मालूम है, तो उनमें से आप पांच बड़े आसानी के साथ लिख सकते हो। तो ये बड़े मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम में, जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम में इनको आना ही आना है। तो आप बड़े आसानी के साथ इनको देखिए और समझिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और कौन सी हैं, और कौन सी इनपुट डिवाइस क्या काम करती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं। तो अभी हम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में अपन चार पांच इनपुट डिवाइसेस ले चुके, कीबोर्ड ले चुके, कीबोर्ड के बाद अपन माउस ले चुके, माउस के बाद अपन आज ट्रैक पैड लिया है, और ट्रैक पैड के बाद आज जॉयस्टिक लिया है, और जॉयस्टिक के बाद आज डिजिटाइजिंग टेबलेट लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं वो पूरी समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल मुझसे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको घर बैठे बहुत अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका यूज़ करेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, और पढ़ाई पे आप पढ़ाई शुरू ही कर दो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी हम आपको असाइनमेंट भी देंगे। हो सकता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अभी कुछ लोग असाइनमेंट ना जानते हो, तो उसका लेक्चर मैं एक दिन खुद ले लूँगा कि असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट कैसे डेवलप करना है, असाइनमेंट होता क्या है, इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स बनाना है, इसको सबमिट करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। और हो सकता है कुछ बच्चे असाइनमेंट बना चुके हों पहले इंटर लेवल पे, तो उनको सारी चीज मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो अपन इस पर डिस्कशन कर लेंगे, तो बहुत जल्दी आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे। तो आप जो भी वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, जो भी क्लासेस के वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, वो सभी क्लासेस आप एक्सेस करें और ध्यान दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, और जितने भी इमेजेस होंगी मैं सोचा हूँ कि जो जो भी चीजें आपको पढ़ाऊँ तो इमेजेस के माध्यम से आपको दिखाता जाऊँ कि किसको क्या बोलते हैं, शायद इमेज के माध्यम से आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, जैसे आज हमने ट्रैक
ट्रैक वन की इमेज डिस्प्ले कराया, हमने जॉयस्टिक की इमेज डिस्प्ले कराया, हमने स्टार्टिंग टेबलेट की इमेज डिस्प्ले कराया। तो आप देख रहे होंगे कि शायद आपको इस चीज़ से ये फायदा मिल जाएगा कि किस तरह से डिस्टार्जिंग टेबलेट काम करता है, यानी लिखने को आ जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन, ठीक, जो आपको करना है वही लिखना भी। ठीक है, चलिए। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो टॉपिक इन तीन इनपुट डिवाइसेस को बताना था। मैंने इन तीन इनपुट डिवाइसेस को बताया है, और इन तीन जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं आप उनको देखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए। तो मैं अपनी फाइल को अब यहाँ पे इसको सेव किए दे रहा हूँ। सेव करने के बाद ये मैंने फाइल को सेव कर दिया, ये आपकी अब मेरी स्क्रीन फिर से दिखने लगी, यानी डेस्कटॉप आपका दिखने लगा है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उन क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बेटर से बेटर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नाउ दैट्स ऑल, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है।